हेलो, मेरा नाम हर्षिता बागद्रे है और मैं ह्यूमन केयर एनजीओ से हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन। एडिशन जो है वो बेसिक लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है, किसी भी 2, 3, 4, 5 चीज़ों को जोड़ने में। अभी आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम ऐड ऑन करते जाते हैं जिससे हमारी भी वैल्यू बढ़ती है। तो एडिशन के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है मैथमेटिक्स की काउंटिंग, यानी नंबर आपको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक की गिनती जिसे हम कहते हैं, तो हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 2 + 3 करना है अगर आपको, है ना, तो 2 के लिए आप इसको 2 लाइन खींच सकते हैं, और फिर उसके बाद में 3 के लिए हम और 3 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, और फिर इसके बाद में इन सब का हम टोटल लगाएंगे कि ये कितनी लाइंस है। तो ये हो जाएगी 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5। तो ऐसे कुल मिला के कितनी लाइंस हो गई हमारे पास में, 5। अगर ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है जो अगर आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से कर सकते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि थोड़े से मजेदार होंगे, इतने बोरिंग नहीं होंगे लाइंस की तरह। अब इसके बाद में हमारे पास 2 लाइंस हैं, 1 और 2, और इसके बाद में लगा हुआ है एडिशन का साइन। फिर इसके बाद में और हमारे पास 2 लाइंस हैं, 1 और 2, और अब इक्वल टू का साइन हमें ये बताता है कि हमें इस सम टोटल का रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो फिर हम इन सब का टोटल करेंगे, तो 2 + 2, 4 होता है, तो हम काउंट करेंगे इस साइड में कि कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास में इस साइड कितने लाइन दिख रहे हैं आपको, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इसके बाद में यहाँ पे एडिशन साइन है और इसके बाद में हमें दिख रहे हैं 1, 2 और 3। अब इन सब का हम टोटल करेंगे, 2 + 3 को टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 5। अब हम थोड़े से बड़े नंबर्स को देखते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि या तो आप लाइंस बना सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को डायग्रामेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद होंगी। अब यहाँ पर हमें कितने लाइंस दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये एक साइड हमारे पास हो गए 8 लाइंस, प्लस हम एडिशन कर रहे हैं क्योंकि एडिशन का साइन है। फिर उसके बाद में हम इस साइड देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो हमारे पास 7 लाइंस है साइड, तो 8 + 7, अब हम देखेंगे कि इक्वल्स टू में कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 8 + 7 सम टोटल हमारे पास कितना आ गया, आंसर 15। इसके बाद में हम कुछ बड़े नंबर्स ले रहे हैं जैसे कि 15 + 5। अभी तक के हमने किसी भी इसमें कैरी फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, अभी यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब भी इनका कैलकुलेशन जो है वो 10 से ज़्यादा पहुँच जाता है तो हम उसका एक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या जो भी नंबर आता है हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो 15 + 5, तो 5 और 5 कितना होगा, 10, तो हम लिखेंगे 0 10 का, और 1 जो बचा हुआ है वो हम हाफ सेल में चला, तो इसके बाद में हम इसे कितना करेंगे, 1 पहले से था और 1 हाफ सेल का है, तो ये हो गया मिलके 2, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 20। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें लिखा है 15 + 10, ये हो गया 15, फिर आ गया 10, और इन दोनों का सम करना है हमें, एडिशन करना है।
तो 5 प्लस 0 तो आ जाएगा 5 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आ गया 25। अब हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है एडिशन की। तो यहाँ पर दो दोस्त हैं, एक का नाम है संता और एक का नाम है बदना, और दोनों के पास में जो है ना वो एक गुल्लक है। आपके पास में भी ऐसी गुल्लक रही होगी कभी बचपन में, जो आपने रखी होगी जिसमें आप पैसे डालते होंगे, तो जब वो भर जाती है तो उसमें से पैसे निकलते। तो इन दोनों ने भी डिसाइड किया कि क्यों ना ये दोनों जो है वो गुल्लक को फोड़े और इसमें से कुछ पैसे निकले। तो अब इसमें से कुछ पैसे निकले, पहले 1 रुपए का सिक्का निकला, फिर उसके बाद में 5 रुपए का सिक्का निकला, और फिर उसके बाद में एक 10 रुपए का सिक्का निकला। पहले क्या निकला, जब उन्होंने गुल्लक को फोड़ दिया तो उसमें से क्या निकला, 1 रुपए का सिक्का निकला, फिर उसके अंदर 5 रुपए का एक सिक्का निकला, और फिर एक 10 रुपए का सिक्का निकला। तो फिर इन सबको सम टोटल हम ऐड करके ये पता कर सकते हैं कि टोटल गुल्लक में से कितने पैसे निकले। 1 + 5 + 10 है ना, तो 1 और 5 कितना हो गया, 1 लिखेंगे हम, और उसके बाद में 1 लिखा, फिर उसके बाद में 5 डंडी, 1 2 3 4 5, और ऐसी 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अब इन सबको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे एडिशन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका टोटल कितना आ गया हमारे पास, 16। इसका मतलब ये है कि संता और बंता के पास में दोनों के गुल्लक में से कितने पैसे निकले, 16 रुपए निकले, है ना। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती है जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं, और इसके लिए बेसिकली बहुत ज़रूरी है कि आपको ना काउंटिंग्स आनी चाहिए पूरी बहुत अच्छे से, जिसके कारण आप आगे की तरफ ऐड करते जाएं और कभी भी कोई नंबर मिस आउट ना करें, जिससे कि आपका एडिशन एकदम सही आए। कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो हमेशा लाइंस बनाएं, लेकिन जनरली बड़े नंबर्स के लिए हम लाइंस नहीं बना पाते, तो कोशिश करिए कि 10 तक के जो नंबर होते हैं ना, जैसे 7 और 8 का एडिशन, 8 और 9 का कितना होता है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा करते करते प्रैक्टिस करते आपको याद होगा।